So today we will be learning these six topics. The first topic we have is a data binding, NG4, if then else, creating component automatically, property binding and event binding. So we are getting started with the concept called as data binding in Angular. So what exactly this data binding is, data binding in Angular is a synchronization between your model and your view. In order to perform the demonstration of this data binding, I am going to create a new project. एक मैं बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई कमांड प्रॉम्प्ट एंड आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई एम स्विचिंग इन टू माई सी ड्राइव डायरेक्टरी नाउ विद इन द सी ड्राइव आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्टरी कॉल्ड एज डेटा बाइंडिंग ओके आई एम गोइंग टू चेंज माई डायरेक्टरी टू डेटा बाइंडिंग And within this directory data binding, I am going to create a new Angular 4 project. So let's say in order to create a new Angular 4 project, you have to make a use of ng, which stands for Angular new. And let's say मैं यहाँ पर एक application का name देता हूँ, binding app. Okay. And I'm going to press enter. So what this command will do? This command will create an Angular 4 project for us. So now my binding app project is ready. So what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of my Visual Code Editor. यहाँ पर मैं अपने इस वाले project को एक बार open कर लेता हूँ. So this is my project data binding and I'm going to select this folder. So this is my Angular 4 project binding app and these are my associated files. So what exactly we are going to do is we are going to perform a data binding. A data binding मैंने आपको बताया that it is a synchronization between your model and the view. अगर मैं आपको एक example दूँ, so what we can do is आप एक बार SRC वाले folder पे जाओ and within this app, हमारे पास यहाँ पर दो file होती है, app.component.html. Actually this file will work as a view for us. This is my view. और अगर मैं आपको एक और फाइल दिखाऊं app.component.ts दिस इज माय मॉडल इसमें एक अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड बताऊं कि लेट्स से एक एग्जांपल कि इसमें डेटा बाइंडिंग किस तरीके से हो रही है सो यहां पर आपको एक टाइटल टैग दिख रहा है दिस इज माय वेरिएबल टाइटल और ये वेरिएबल मैंने डिफाइन कहां पर किया हुआ है लेट्स से डिक्लेयर कहां पर है ये डिक्लेयर है आपका विद इन योर एप कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में सो दिस इज विल बी कॉल्ड एज योर डेटा बाइंडिंग आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर पे है इसका जो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले कर रहा है प्रेजेंटेशन लेयर पे एक्चुअली ये बाइंड कहाँ से हो रहा है ये बाइंड हो रहा है आपके कॉम्पोनेंट डॉट टी एस से ओके सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पर लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट एंड विद इन दिस ऑब्जेक्ट व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पास एक वन की एंड एक वैल्यू एक मैं की पास करूँगा और एक उसमें वैल्यू पास करूँगा सो लेट्स से की विल बी माई वन और इसके अंदर लेट्स से एक मैंने वैल्यू दे दी मैं अपना नेम देता हूँ लेट मी जस्ट मेक अ यूजर इज इक्वल टू सो यहाँ पर एक मैंने पहला पैरामीटर ले लिया एक आईडी और उसकी लेट से मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है वन और इसी आईडी में मैंने एक और यहाँ पर एक की पास कर दिया नेम और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया आज एक्सेप्ट करो जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया आईडी और उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करा दी एज अ वन ठीक है एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर वेरिएबल एक मैंने ले लिया नेम और उसमें उसकी वैल्यू एसोसिएट करा दिया तो मेरे को ये यूज करना पड़ेगा कॉलम के साथ तो यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने एक की और एक उसकी वैल्यू पास करी की उसकी वन और एक उसका नेम है यश अब डेटा बाइंडिंग करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय व्यू एंड विद इन दिस व्यू मैं लेट्स से एक बार ये सारे डिक्लेरेशन हटा देता हूँ इन सच की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है After this heading tag, I'm going to make a use of my paragraph tag. और यहाँ पर लेट्स से मैं बाइंड कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम को
सो इस पे डेटा बाइंडिंग आपको समझ में कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डॉट नेम है ये मेरे व्यू में है और जो इसकी डिक्लेरेशन है वो आपके मॉडल में है. सो लेट्स से अगर मैं इस पे एक बार सेव करूँ एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई टर्मिनल एंड विद इन दिस टर्मिनल आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ कमांड ng. So now you can see that my webpack has compiled successfully and in order to view the output I have to make a use of localhost and port number 4200. So main iska use kar leta hu localhost port pe 4200. So now you can see that it has only printed the object name Yash. Agar aapko sari value dikhani ho to अगर आपको मतलब आईडी भी दिखानी हो और आपको ये नेम भी दिखाना हो तो इसके लिए आप यहाँ पर या तो आपके पास एक अप्रोच आप फॉलो करोगे कि आप इस व्यू में आप यहाँ पर लिख दोगे ऑब्जेक्ट डॉट आईडी. बट लेट्स से फॉर दिस वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ फॉर लूप. इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ng4 एट्रीब्यूट का. इस ng4 एट्रीब्यूट का लेट्स मैं आपको एक डेमो देता हूँ. सो विद इन माई मॉडल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ एरे के नाम से and within this array I'm going to pass certain values. Let's say मैं कुछ इसमें value डाल देता हूँ. So within my model I have declared a variable called as arr. और इसके अंदर कुछ values हैं, कुछ students के name हैं राम श्याम एंड गीता. So control s अगर मैं इसको करूँ now I'm going to make a use of a data binding. अब इसकी जो मैं binding कराऊंगा वो मैं binding कराऊंगा with my view. तो लेट्स से आपके पास यहाँ पर आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हो. आइदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ पैराग्राफ टैग एंड विद इन दिस पैराग्राफ यू कैन मेक अ यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन. और यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हो arr की जीरो इंडेक्स. ओके अगर मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पर आपके पास एक स्टूडेंट का नेम आ जाएगा राम. इस तरीके से अगर आपको सबके नेम दिखाने हो तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको कॉपी करके लेट्स से इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट. तो arr 1 का इंडेक्स मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और arr 2 का इंडेक्स मैं यहाँ पर दिखाता हूँ. तो कंट्रोल एस से मैं इसका सेव करता हूँ और इस पर लेट्स से आउटपुट देखते हैं. तो विल गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवर स्टूडेंट्स राम श्याम एंड गीता. बट इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ डायरेक्टिव कॉल्ड एज ng4. एक एट्रीब्यूट है हमारे पास एंगुलर में तो उस डायरेक्टिव का मैं यूज करूँगा. In order to make a use of this ng4, I'm going to make a use of my model. तो मॉडल में मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है arr, तो मैं इसी का एक बार यूज कर लेता हूँ. तो विद इन दिस व्यू हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ ul टैग एंड विद इन दिस ul आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ li. And within this li, I'm going to make a use of my ng4 attribute. In order to make a use of this ng4 directive, you have to make a use of a star. आपको एक स्ट्रिक्ट साइन लगाना पड़ेगा ng4. तो ये जो ng4 है फॉर ईच लूप की तरह वर्क करता है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया i of arr. मतलब लेट आई बी द टाइप ऑफ एन एरे. इसकी डेफिनेशन ये होती है. तो इस सारे टैग को लेट से मैं एक बार बंद कर लेता हूँ. सो जितनी भी arr की वैल्यू वो मेरे आई में आ रही है तो आई एम नाउ गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस आई. सो कंट्रोल एस अगर मैं इसको करूं और इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं so we'll get the complete list Ram, Shyam and Geeta. ये ऊपर text line center इसलिए हो रहा है let's say within division tag है. okay तो मैं यहाँ पर एक बार division tag को पीछे कर दूँ. so let's say if I compile this program I will get my output Ram, Shyam and Geeta.
So understood the concept of this ng4 attribute. So after this ng4 attribute, we are going to have a look on this if then else. Okay. तो इसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ डेटा बाइंडिंग में मैं ये सब कवर कर रहा हूँ. सो मैं अपने मॉडल में एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया इस ट्रिप. और इसको लेट्स से एक मैंने बूलियन वैल्यू दे दी फॉल्स. तो मतलब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इस ट्रिप के नाम से मॉडल में और इसमें मैंने वैल्यू दे दी है आपको आपकी फॉल्स. नाउ फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ देन एल्स. So within this view, after this UL tag, यहाँ पर हम इसको execute करके देखते हैं. तो यहाँ पर I'm going to make a use of a paragraph tag. And within this paragraph tag, I'm going to make a use of another attribute called as ng if. तो इफ आपका कब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी गिवन कंडीशन क्या रहती है आपकी ट्रू रहती है. तो यहां पर लेट्स से मैंने एक स्टेटमेंट इसमें दे दी इफ एन जी एफ इज इक्वल टू ट्रू. देन प्रिंट हेलो. यहां पर इस ट्रू की जगह मैं अपने वेरिएबल का नाम देता हूं जो मैंने दिया इज ट्रू. जो अभी मेरा ये वेरिएबल है इस ट्रिप इसकी अभी वैल्यू क्या है फॉल्स है. सो लेट मी जस्ट कंट्रोल एस एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. सो यहाँ पर अभी आपका हेलो प्रिंट होकर नहीं आया क्योंकि इस ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसकी गिवन कंडीशन क्या रहती है ट्रिप. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज विद इन माई मॉडल यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू एक बार कर लेता हूँ ट्रिप. So control S, save this program and compile this program again. So अब आपका hello print होकर आ गया. So now within this my model, I'm going to declare an another variable. एक मैं variable बनाता हूँ और उस variable का लेट्स से मैं नाम दे दिया my name is equal to. तो एक मॉडल में मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया माई नेम इज इक्वल टू यश एंड विद इन दिस व्यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एन जी इफ. तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप का यूज किया एक मैं बी आर देता हूँ. एंड विद इन दिस पैराग्राफ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन जी इफ. अब यहाँ पर लेट्स से मैं कंडीशन दे देता हूँ. इधर मैंने दे दिया अगर इफ माय नेम इज इक्वल टू यश. इस तरीके से लेट्स से मैंने कंडीशन दे दी इफ माय नेम इज इक्वल टू यश देन प्रिंट द वैल्यू ट्रिप. सो नाउ इफ आई कंट्रोल इफ आई सेव दिस प्रोग्राम एंड शो यू द आउटपुट. माई नेम ही दिया है ना मैंने. एक सेकंड में कुछ और वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ. माई नेम है कुछ एम आई एन चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है.
सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मॉडल में एक वेरिएबल बनाया माई नेम और उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करी है यश के नाम से, और इधर एक चेक किया मैंने यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दिस इफ देन एल्स. अगर आपकी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर एल्स स्टेटमेंट. तो इस डेमोस्ट्रेशन के लिए लेट्स से जो मैंने यहाँ पर एक इस ट्रू का वेरिएबल बनाया, इसको मैं कर देता हूँ एक बार फॉल्स. इसकी मैंने वैल्यू कर दी है फॉल्स. सो कंट्रोल एस अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर लेट्स से मैंने इसकी एक वैल्यू प्रिंट करा रखी है, अगर मेरा एनजी ट्री है तो हेलो प्रिंट आप कर दो. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर अब आपको हेलो प्रिंट नहीं हो रहा. सो नाउ विद इन दिस स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ और एल्स. तो इसका सिंटेक्स आप देखना एक बार यहाँ पर. तो मैं एक बार ये स्टेटमेंट एक बार रिमूव कर रहा हूँ. हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय पैराग्राफ टैग एंड विद इन दिस पैराग्राफ टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय एनजी इफ. तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टार एनजी इफ. इसके बाद आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है. तो लेट्स से आपने यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लेट्स से दे दी इस स्ट्रिक्ट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी मैंने फॉल्स कर रखी है. अगर ये वैल्यू और ये जो इस स्टेटमेंट है तब एग्जीक्यूट होती है जब इसको वैल्यू मिलती है ट्रू. अगर लेट्स से बट यहाँ पर इसके पास है वैल्यू फॉल्स देन व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सेमी कॉलन का एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई देन. अभी एक बार देन से भी आप पहले एक बार ये एग्जीक्यूट करना अपनी यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट. एक बार आप एग्जीक्यूट करो अपनी एल्स स्टेटमेंट और एल्स में लेट्स से मैं एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फर्स्ट टेम्पलेट. तो ध्यान से देखना एल्स में मैंने अभी एक लिखा है फर्स्ट टेम्पलेट और इधर मैंने एक वैल्यू प्रिंट कर दिया. अब इस एल्स पार्ट में लेट्स से मैंने क्या बना दिया, एक टेम्पलेट पास कर दिया और यहाँ पर इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस फर्स्ट टेम्पलेट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डायरेक्टरी एनजी हाइफन टेम्पलेट. यहाँ पर एक मैं डायरेक्टिव ले लेता हूँ हमारे एनजी हाइफन टेम्पलेट का. इसका नाम आपने क्या दिया हुआ है विद द हैश साइन आपको इसका देना पड़ेगा नाम. मैंने इसका नाम दिया हुआ फर्स्ट टेम्पलेट. और यहाँ पर एक मैंने कंडीशन मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पर पास कर दिया दिस इज माय फर्स्ट टेम्पलेट. तो यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया दिस इज माय फर्स्ट टेम्पलेट. अगर अब आपका एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में आपका क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक टेम्पलेट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस टेम्पलेट में आपने क्या डेफिनेशन दे दिया दिस इज माय फर्स्ट टेम्पलेट. सो नाउ कंट्रोल एस मतलब आप एक बार टेस्ट करो इस एप्लीकेशन को, सेव करो और एक बार रन करते हैं इस एप्लीकेशन को. इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली. तो यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया आपका दिस इज माई फर्स्ट टेम्पलेट. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ अवर इफ एंड एल्स. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन इफ देन एल्स. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक और मैं इसको इसी स्टेटमेंट को मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर एक और मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ और उस टेम्पलेट का नाम लेट से मैं देता हूँ सेकंड टेम्पलेट और यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज माय सेकंड टेम्पलेट. लिखा आपने तो यहाँ पर देखना अगर मेरी इफ की वाली कंडीशन हो जाती है ट्रू देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट फर्स्ट टेम्पलेट और अगर इफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय सेकंड टेम्पलेट. ओके, और यहां से मैं एक बार इस हेलो को हटा देता हूँ, इसके मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सेव करते हैं इस एप्लीकेशन को, एक बार रन करके देखते हैं कंपाइल करके.
सो मेरा सेकंड टेम्पलेट एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि आपकी इफ की कंडीशन क्या है, फॉल्स है. और लेट्स से अगर मैं इफ की कंडीशन कर दूँ ट्रू विद इन माई मॉडल, इफ आई ट्रू दिस कंडीशन सेव करता हूँ और अगेन कंपाइल करता हूँ अपने मॉड्यूल को. So now you can see this is my first template will get executed. So this is the concept of your data binding, ng4 and if then else.